Anupichu, let's read the question. The correct order of second ionization potential of कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज, तो करेक्ट ऑर्डर बताना है इस क्वेश्चन में आपको. सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के और फ्लोरीन के. ठीक है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. ठीक है सर, तो सबसे पहले तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सबशेल में से निकाल दिया है, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आता है. तो जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है फ्रॉम द आउटर मोस्ट सबशेल आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो वो आपका सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है. ठीक है, तो हम एक एक करके सबसे पहले हर एलिमेंट का अटोमिक कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं. पहले तो कार्बन का है 2s2, 2p2 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात हो रही है. नाइट्रोजन का है 2s2, 2p3, देन ऑक्सीजन का है आपका 2s2, 2p4 एंड फ्लोरीन का है 2s2, 2p5. ठीक है, तो ये है. अब हम पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं. ठीक है, IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद सेकेंड की बात करेंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, तो क्या होगा कॉन्फिगरेशन, 2s2, 2p1 और 2s2, 2p2, ऑक्सीजन के लिए रहेगी 2s2, 2p3, क्लोरीन के लिए होगी 2s2, 2p4. ठीक है, फिर अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड. अब यहाँ से अब हम इसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन जब एक निकाल देते हैं तो फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है. ठीक है, तो यहाँ 2s2, 2p0 हो जाएगा एंड यहाँ जाएगा 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, फिर फ्लोरीन 2s2, 2p3, तो ये हो जाएगी. ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड उसकी ही ज्यादा होगी एलिमेंट की जो अपनी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद ज्यादा स्टेबल है. तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल अगर हम बात करें ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमें एक दिख रहा है, ये है ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि इसमें हाफ फिल कॉन्फिगरेशन, तो यानी कि जो आपका इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमें, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में, यानी कि इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये अभी से स्टेबल हो गया. ठीक है, तो इसलिए सबसे किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की होनी चाहिए. उसके बाद देखो अब उसके बाद फिर आपकी किसकी होगी, फिर होगी आपकी फ्लोरीन की. ये आपकी, आप अगर अटोमिक ऑर्डर के हिसाब से हम बात कर लेते तो हमने ये भी कंसेप्ट बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड आपकी अटोमिक नंबर इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है. तो यानी कि उस हिसाब से फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी ना, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन की ज्यादा, तो यही एक्सेप्शन है. तो इसलिए पहले ऑक्सीजन की ज्यादा है यहाँ पे, रीजन यही है कि ये हाफ फिल्ड है. देन आफ्टर दैट फ्लोरीन की होगी, देन उसके बाद नाइट्रोजन की, एंड देन सबसे कम किसकी होगी, कार्बन की होगी. ठीक है, सबसे कम किसकी होगी, कार्बन की होगी. तो ये आपका इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका किस हिसाब से ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर आपका इस हिसाब से आया है, दो फैक्टर्स के हिसाब से आया है. एक तो आपका कि जैसे जैसे आपका अटोमिक नंबर इंक्रीज होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका इंक्रीज होता है. ठीक है, तो इसी वजह से आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन का आया है वो ज्यादा आया है, देन कार्बन एंड फ्लोरीन का भी नाइट्रोजन से ज्यादा आया है. हालांकि फ्लोरीन का आना सबसे ज्यादा चाहिए था, ऑक्सीजन का उससे कम आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो इसका रीजन यही है बस आपका कि ऑक्सीजन में आपकी कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल हो गई. तो दो फैक्टर्स, एक तो यही वाली पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला जो भी बताया, और दूसरा ये कि आपका यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हाफ फिल्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एक्सट्रीमली हाई सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगी. तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. विश यू ऑल द बेस्ट.